हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 12। इसमें अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2021 में। तो अमेंडमेंट को डिस्कस करने से पहले, जो पहले का प्रोविजन जो था सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 10 जो अमेंडमेंट से पहले था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 यानी सब सेक्शन 12, वहाँ पे बोलता था कि कोई भी अगर इंटरेस्ट हमें किस पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एनी फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता था, ये इस पर और इस फंड्स पर हमें अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता था, पीएफ पर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर और एनी फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर क्या होता था, और इंटरेस्ट एग्जम इनकम एग्जेम्प्ट होता था। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में। अब फाइनेंस एक्ट 2021 में इसमें क्या आ गया, अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या आया कि इस पे अगर कोई भी इम्प्लॉयज अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से अधिक का कंट्रीब्यूशन अगर इस फंड में करता है, पीएफ फंड पे, तो इस पे 2.5 लाख से अधिक का अगर कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ फंड पे, तो जो एक्सेस अमाउंट जो 2.5 लाख से अधिक है, उस पर जो इंटरेस्ट जो इनकर्ड अक्रू हुआ है या अर्न हुआ है या रिसीव हुआ है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब चलो उसको मैं पढ़ता हूँ। सेक्शन 10 जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट की बात करता हूँ। अमेंडमेंट से ये क्या है, अमेंडमेंट्स की बात करता हूँ। नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल और इंटरेस्ट इनकम अक्रूड ऑब्लिक रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टैट्यूटरी फंड टू द एक्सटेंट इट्स रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉइज ओवर रुपीज 2,50,000 इन प्रीवियस ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 में के लिए अप्लीकेबल है। तो 2.5 लाख से ऊपर का अगर प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से पे 2.5 लाख से अधिक का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है किस पे, इम्प्लॉय का, किस फंड में, प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या और एनी फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उस पे 2.5 लाख से पे 2.5 लाख से अधिक पे जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ? इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। अब इसका सेकंड फॉर्म भाई जो बोलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 और सब सेक्शन 12 का, ये अगर कोई प्रोविडेंट फंड और अदर प्रोविडेंट फंड में अगर केवल उस फंड में केवल इम्प्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन है, इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, तो इस केस में जो थ्रेश होल्ड लिमिट कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। इस केस में क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख से अधिक पे कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा या रिसीव होगा वो टैक्सेबल किस क्या हो जाएगा, किसके हैंड में, असेसी के हैंड में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको मैं पढ़ता हूँ। That if an employee is contributing to the fund, but there is no contribution to the such fund by the employer, then the interest income accrued during the previous year shall be taxable to the extent it relates to the contribution made by the employees to that fund in excess of rupees 5 lakh in a financial year। यहाँ पर 2.5 लाख किसका था, पहले वाले मीन्स इस वाले में। यहां पर क्या था, इम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर
का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था? यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, इम्प्लॉयर प्लस इम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। इस केस में थ्रेशर मोड क्या लिमिट था? ₹2,50,000। सेकंड वाले में बोलता है, सेकंड वाला कि बस यहां पर किसका कंट्रीब्यूशन है? इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है यहां पर, यहां पर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पर लिमिट कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये इस फंड पे इसको टैक्सेबल करने का पर्पस इस इंटरेस्ट ऑन पीएफ और पीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे टैक्सेबल करने का पर्पस ये है कि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड में, जो कि एक एग्जेम्प्ट कहा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 में। अब गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ एक लूप होल था कि लोग यहाँ इनका अपना एग्जेम्प्ट करवा लेते थे अधिक इनकम, इसलिए उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी कि अगर इस फंड पे अगर 2.5 लाख से अगर कम पे कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है उस पे क्या होगा, वो तो एग्जेम्प्ट है ही। अगर कोई बंदा अगर 2.5 लाख से अधिक पे 2.5 लाख से अधिक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? मीन्स प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। अब एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 95/2021 डेटेड 18 अगस्त 2021। इसमें बोलता है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि क्या टैक्स यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे कौन सा अमाउंट को टैक्सेबल कर रहे हैं। जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट मीन 2.5 लाख से अधिक वाले पे और 2.5 लाख से कम वाले पे, 5 लाख से अधिक वाले पे ओवर रुपीज 2,50,000 और ओवर एक्सेस रुपीज 50 लाख ये टैक्सेबल कर रहे हैं, 50 लाख सॉरी 5 लाख पे इंटरेस्ट जो अर्न होगा वो टैक्सेबल कर रहे हैं। अब सपोज इसमें इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग मीन्स जो फंड पे हमें इंटरेस्ट मिला वो अगले साल वो उसका प्रोविडेंट फंड का पार्ट हो जाएगा, तो फिर उस दोनों पे इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल था उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल एसएससी के लिए। तो उन्होंने नोटिफिकेशन एक इशू करा है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 95/2021 डेटेड 18 अगस्त 2021। उसमें बोलता है सेपरेट अकाउंट विद इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड, सेपरेट अकाउंट विद इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड ऑल सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर फॉर द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन। अब देखिए मैं अभी बोला था कि बहुत मुश्किल था कि कितना कंट्रीब्यूशन किसका है, कितना टैक्सेबल है, कितना नॉन टैक्सेबल है, एक आम आदमी के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा था ये काम। तो एक क्या करेगी प्रोविडेंट पीएफ फंड वाले ही क्या करेंगे, इसको अब मेंटेन करेंगे कि कौन सा अमाउंट कितने कितना अमाउंट टैक्सेबल है कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। कब से? ये प्रीवियस ईयर 2021-22 से, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से और उसके बाद के सालों में। ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल कब से है तो मैंने पीछे अभी बताया था, ये अमेंडमेंट कब से अप्लीकेबल है? 1/4/2022 से, मतलब फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2022-23 से। तब प्रोविडेंट फंड वाले इसमें क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हमें सिंपल सा करना है कि जो टैक्सेबल वाला अमाउंट है, जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में शायद मेंशन रहेगा, अगर नहीं रहे अब देखते हैं क्या क्या होता है, इसमें क्लियरली तो मेंशन नहीं है। अगर नहीं हुआ तो जो इफेक्टिव रेट है पीएफ का उस पर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है सेपरेटली, मेरे ख्याल से दिया हुआ रहेगा कि अभी भी आता है पीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है मेंशन रहता है। अगर दिया रहेगा तो सिंपल सा अमाउंट जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है उसको हम टैक्सेबल करवा देंगे। किस हेड में? इनकम फ्रॉम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे अब टैक्स, मैंने टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन की बात करी, तो आप इसको टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन किसको माने और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन किसको माने। देखिए नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये देखिए ये अप्लीकेबल कब से है, 1/4/2022 मतलब असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है यहाँ पर, 1/4/2022 मतलब ये कब से अप्लीकेबल है, फाइनेंशियल की बात करूँ तो 1/4/2021 से अप्लीकेबल है। तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2021 मतलब जो अब तक एग्जेम्प्ट हुआ करता था 31/3/2021 तक वो तो नॉन टैक्सेबल है ही। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर मतलब जो हमारा बैलेंस 31/3/2021 तक पड़ा हुआ था वो, और हमारे जो थ्रेशहोल्ड लिमिट थी 2.5 लाख और 5 लाख जो मैंने ऊपर बताया वो, और प्लस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सब क्लोज 1 एंड 2, ये दोनों पे जो इंटरेस्ट है, ये दोनों पे जो इंटरेस्ट है ये ओवर सबको ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2021 नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसके ये सारा ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा, ये नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी बातें। अब टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर इन अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या था मेरा, 2.5 लाख से अधिक का था यहाँ पर एक जगह, और एक जगह क्या था मेरा 5 लाख से अधिक का था, और इंटरेस्ट अक्रूड अबव मतलब इस पे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा वो, ये मेरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा टैक्सेबल पोर्शन जो मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ये नॉन टैक्सेबल वाला है ये। अब चलिए इसको इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एसोसिएट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, वहां पे लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पे whether interest earned shall be taxable, how much interest of employee's contribution shall be taxable। अब देखिए मिस्टर ए हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या करा है, प्रोविडेंट फंड में क्या करा है, 2 लाख रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, 2 लाख रुपए दिया है कंट्रीब्यूशन किस फंड में, प्रोविडेंट फंड में, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हाँ था। अब देखिए यहाँ पर थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या थी हमारी, यहाँ पर थ्रेशहोल्ड लिमिट थी 2.5 लाख रुपए का, मैं बात करूं यहाँ पे दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेदर इंटरेस्ट अर्न्ड शैल बी टैक्सेबल, ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर इंटरेस्ट किस पे होगा, जो टैक्सेबल अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा टैक्सेबल होगा ना, टैक्सेबल अमाउंट का इंटरेस्ट कितना था 2.5 लाख से अधिक पे, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर निल है। अब देखिए अब दूसरा केस है कि जो मिस्टर ए हैं 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ फंड में, वहां पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, हाँ है। अब इंटरेस्ट टैक्स वेदर इंटरेस्ट अर्न शैल बी टैक्सेबल, यस, किस पे, 4 लाख रुपए माइनस 2.5 लाख पे इक्वल टू 1.5 लाख रुपए, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा।
अब देखिए तीसरा तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि 6 लाख रुपए है, मिस्टर ए जो है क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पीएफ फंड में, कहाँ कितना 6 लाख रुपए। क्या इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है? हाँ है। तो इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में कितना थ्रेशोल्ड लिमिट था? 2.5 लाख का। तो क्या वेदर इंटरेस्ट ऑन सेल भी टैक्सेबल? यस। तो 2.5 लाख से अधिक अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कितने पे टैक्सेबल होगा? 3.5 लाख पे। 6 लाख माइनस 2.5 लाख, साढ़े 3 लाख पे ये जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब तीसरा आता है, अब तो ये तीनों केस में क्या था, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन था यहां पे। अब आगे जो एग्जांपल मैंने लिया है वहां पे क्या है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2.5 लाख मिस्टर ये जो है 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में, यहाँ पे इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक केस में क्या होता है, टैक्सेबल, टैक्सेबल जो थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख से अधिक पे। तो हम, अरे सॉरी, इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर जहां नहीं है वहां कितना हो जाता है, 5 लाख से अधिक पे। तो यहाँ पे 2 माइनस 5 नेगेटिव में आ जाएगा 3 लाख रुपए, इसलिए नील हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए जो है कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में, कितना 4 लाख रुपए। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इस पे? नहीं है। तो क्या इस पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? एकदम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 5 लाख है। 5 लाख से एक्सेस पे जो है हम इंटरेस्ट जो अर्न होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा? नो। यहाँ पे क्या है, 4 लाख माइनस 5 लाख, ये भी माइनस माइनस में आ गया 1 लाख ना, इसलिए क्या है यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि इम्प्लॉयर कंट्रीब्यू जो इससे कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 लाख रुपए। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है यहाँ पर। वेदर इंटरेस्ट ऑन सेल भी टैक्सेबल? यस। क्यों? कि 5 लाख से अधिक पे, 5 लाख से अधिक यहाँ पर कंट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ पर, प्रोविडेंट फंड में। ये 1 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट आएगा टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये जो जो प्रोविजन जो है ये लाने का मतलब ये है कि जो छोटे जो जो यहाँ पे लोग अपने टैक्स प्लानिंग नहीं कर सके, और टू द सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट ये एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ये इसको टैक्सेबल कर दिया गया है कि उस मतलब 2.5 लाख या 5 लाख से अधिक कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट अर्न होगा 1/4/2021 के बाद वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। आई होप आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं।